हेलो, इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के एक्सेसिबिलिटी ग्रुप और लैंग्वेज ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमें शो करेगा नो एक्सेसिबिलिटी इशू फॉर्म। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है ये नो एक्सेसिबिलिटी इशू फॉर्म। तो यहाँ पे कोई भी इशू फोन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। ये इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे कोई टेम्पलेट यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया। यहाँ पे लाने के बाद आप रिव्यू पे जाएंगे, चेक एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे जाएंगे, या हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद चेक फॉर इशूज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पेक्शन अलर्ट, तो ये एरर यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सी एरर है। ये मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये बता रहा है, ये अमेज ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन ये बता रहा है। तो ये एक्सेसिबिलिटी में हमें एरर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, न्यू पेज फाइल पे जाएंगे। न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे नया पेज लेंगे और नया पेज लेने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट कमांड लिखी है, ये कमांड लिखने के बाद रिव्यू टैब के ऊपर जाएंगे। लैंग्वेज ग्रुप में फर्स्ट है ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट के मोर बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। पहला है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, दूसरा है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, तीसरा है मिनी ट्रांसलेटर। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट को करते हैं, ये ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इस सभी को ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी में हमने ऑप्शन लिया हुआ ये कि हिंदी में ट्रांसलेट हो, इंग्लिश की हिंदी में। तो यहाँ पे ये जितना भी है ये हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा, या और भी यहाँ पे लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमें ये हिंदी में ट्रांसलेट करना था, हमने यहाँ पे हिंदी पे क्लिक किया। तो ये जितना भी है यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ गया हिंदी में। अब जिस भी लाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी इंग्लिश यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे आ गई, ये इसकी इंग्लिश आ गई है। तो जिस भी लाइन के, जैसे यहाँ पे क्लिक किया इसकी आ गई, जिस भी लाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी इंग्लिश यहाँ पे शो करेगी। तो इस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये राइट हैंड साइड में ये हमारी ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन ऑप्शन आ गई है कि किस में करना है। ये यहाँ पे क्लिक करके हम ऑप्शन ले सकते हैं, ये जैसे यहाँ पे है, हम यहाँ पे किस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास लैंग्वेजेस आ गई हैं, ये किस में करना है आप, जैसे हमें हिंदी में करना है ये, तो हम यहाँ पे हिंदी में जाएंगे। तो ये हिंदी दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जितना भी है, ये जितना हमने सेलेक्ट किया था, इसकी जो हिंदी है बन के ये आ जाएगी। तो ये हमारा जो जितना भी था इंग्लिश का, ये सारा यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ गया ये। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इसकी हिंदी यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे इसको। ये देखो इस जितना हमने सेलेक्ट किया था उसकी यहाँ पे हिंदी आ जाएगी। तो इस प्रकार हम सेलेक्टेड टेक्स्ट उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन है हमारे पास मिनी ट्रांसलेटर, तो ये जितना भी दिया हुआ है इसको बोला जाता है मिनी ट्रांसलेटर। तो ये उसके बाद है हमारे पास चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज, तो जैसे हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट की वैसे ही यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला हमारे पास लैंग्वेज का है ये, तो लैंग्वेज में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज यहाँ पे, तो कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर सकते हैं हम, जितनी भी दी हुई है ये कोई भी लैंग्वेज यहाँ से सेट कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग का होता है ये, जैसे यहाँ पे सेट की हुई है ये इंग्लिश इंडिया, तो ये हमने यहाँ पे सेट की हुई है, ओके पे क्लिक किया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन लैंग्वेज प्रीफ्रेंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारी लैंग्वेज यहाँ पे सेट है ये। अगर हम यहाँ पे ऐड एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं ये, जैसे यहाँ पे ये देखो जितनी भी है ये कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं ये। तो सपोज करो यहाँ से कुछ भी हमने यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है, तो ये देखो हमारे पास सभी ये लैंग्वेज यहाँ पे आ रही है ये, तो जो भी लैंग्वेज हम यहाँ पे ये रखना चाहते हैं ये तो वो लैंग्वेज सेट करके यहाँ पे रख सकते हैं ये। जैसे ये देखो इंग्लिश जिम्बाब्वे, यहाँ पे अगर हम इसको लाने चाहते हैं ये तो इसके बाद इसको ऐड कर देंगे ये देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो इस प्रकार हम इसको ऐड भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको रिमूव करना है फिर ये जैसे इंग्लिश जिम्बाब्वे ये आ गया है, इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये रिमूव यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो रिमूव किया, यहाँ से ये लैंग्वेज जो है वो हट जाएगी, तो इस प्रकार हम ये लैंग्वेज यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। तो इस जो हमारा रिव्यू टैब है इसमें हमने एक्सेसिबिलिटी ग्रुप और लैंग्वेज ग्रुप के बारे में जाना। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।